हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश प्राइमर पार्ट ए बुक में चैप्टर नंबर 19 यूज़ ऑफ हु के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, किसका यूज़? हु के लिए। हु का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जब हम पूछते हैं कौन, ठीक है, कि वो कौन है। कौन जब हम बोलते हैं, इसका मतलब कि हम हु के लिए बात करें। किस वर्ड के लिए? हु। हु इज़ अ डब्ल्यू एच वर्ड। ये क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है। डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स ये स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच आ रहा है, ये क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है। हु इज़ यूज फॉर वेन वी आस्क क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हु का यूज़ करते हैं। किसका? हु का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ ही, ये कौन है? हु इज़ ही, ये कौन है? ही इज़ अ लॉयर। ये क्या, कौन है? लॉयर है। हु इज़ शी, ये कौन है? शी इज़ अ टीचर। शी इज़ अ टीचर, जैसे आपकी भी टीचर है ना गीता मैम, वैसे ये कौन है? शी इज़ अ टीचर। ऑल राइट, हु इज़ ही? ही इज़ अ स्टूडेंट। जैसे आप भी एक स्टूडेंट हैं, अगर आप बॉय हैं तो ही इज़ अ स्टूडेंट, अगर आप गर्ल हैं तो शी इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? हु इज़ ही, ये कौन है? ही इज़ अ गार्ड। ही इज़ अ गार्ड। वैसे ही हमें ये एक्सरसाइज भी फटाफट फिल कर लेनी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ डब्ल्यू एच। ये सारे ही ब्लैंक्स हमें डब्ल्यू एच ओ हु का यूज़ करके कंप्लीट करना है। डैश इज़ शी, हु इज़ शी? शी इज़ अ ब्यूटीशियन। शी इज़ अ ब्यूटीशियन। हु इज़ ही, हु इज़ ही, ये कौन है? ही इज़ अ कॉबलर। ही इज़ अ कॉबलर। हु इज़ शी, हु इज़ अ शी? शी इज़ अ टीचर, ये कौन है? टीचर है। हु इज़ शी, ये कौन है? ये वाइट कलर की ऐसे कैप पहनी है, प्लस का साइन लगा है ना रेड कलर से। हु इज़ शी? शी इज़ अ नर्स। शी इज़ अ नर्स। हु इज़ ही, ये कौन है? ही इज़ एन इंजीनियर। ही इज़ एन इंजीनियर। एट लास्ट, हु इज़ ही, ये कौन है? ही इज़ अ वॉशरमैन। ही इज़ अ वॉशरमैन, ये कपड़े धुलने वाला। ही इज़ अ वॉशरमैन। जैसे हमने डब्ल्यू एच हु मतलब कौन का यूज़ किया, कौन, डब्ल्यू एच हु मतलब कौन, वैसे ही अब हम वेन का यूज़ करेंगे। किसका? वेन का। वेन का यूज़ हम मेनली कब करते हैं? जब हम टाइम के लिए पूछते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के टाइम के लिए पूछते हैं। डब्ल्यू एच ई एन, वेन इज़ डब्ल्यू एच वर्ड। ये भी क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है। वेन इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम। देखा, अभी मैम ने बताया ना आप लोग को कि जब हम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तब हम वेन का यूज़ करते हैं। ऑल राइट, फर्स्ट वन, वेन डू यू वेक अप? आप कब उठते हैं? आई वेक अप एट 6 o'clock इन दी मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में 6 o'clock उठती हूँ। वेन डू यू कम बैक फ्रॉम स्कूल? आप स्कूल से कब वापस आते हैं? आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल एट 2 o'clock इन दी आफ्टरनून। दोपहर में 2 बजे मैं वापस आता हूँ। ऑल राइट, एट थर्ड वन, वेन डू यू स्टडी? आप कब पढ़ते हैं? आई स्टडी एट 6 o'clock इन दी इवनिंग। मैं शाम में 6 बजे पढ़ती हूँ। दिस गर्ल इज सेइंग, मैं शाम में 6 बजे पढ़ती हूँ। एट लास्ट, वेन डू यू गो टू बेड? कब आप सोने जाते हो? सो दिस गर्ल इज सेइंग, आई गो टू बेड एट 10 o'clock एट नाइट। मैं रात में 10 बजे सोने जाती हूँ। सिमिलरली, जैसे हमने डब्ल्यू एच ओ हु की एक्सरसाइजेस की, वैसे ही हम वेन की भी एक्सरसाइजेस करेंगे। वेन डू यू प्ले? यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेन डू यू प्ले। वेन डू यू वेक अप? वेन डू यू वेक अप। वेन डू यू गो टू बेड? वेन डू यू गो टू बेड। When do you come back from school? When do you come back from school? When again do you take breakfast? When do you take breakfast? And at last, when do you study? When do you study? All right. Thank you, students. Bye.